अगर इंडिया की बात करें तो डोकलाम में, ये दिस इज डोकलाम, सॉरी दिस इज चुंबी वैली, दिस इज डोकलाम। डोकलाम की बात करें तो CIA की रिपोर्ट कहती है कि डोकलाम हट गया, तो डोकलाम के कारण ये पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा इंडिया से। ठीक है, द नॉर्थ ईस्ट विल गेट सेपरेशन। ठीक, ये CIA की रिपोर्ट कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रो भी कहती है ये, लेकिन चाइनीज नहीं मान, कहते हैं चाइनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट। मैं आपको बताऊं, अरुणाचल प्रदेश का भी फ्रंट वो इसलिए खोलते हैं, ये इस्लामी स्लाइसिंग टैक्टिक है, किसी तरह से प्रेशर बनाना। और प्रेशर कैसे बनाया जाएगा, अलग अलग टैक्टिक्स द्वारा, कि आपके बॉर्डर में आएंगे और अंदर आएंगे, आप घबराओगे, घबरा के अपना एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट की जगह डिफेंस में करोगे, और डेवलपमेंट की जगह डिफेंस में करोगे, राफेल खरीदोगे तो इकोनॉमी ट्रम्बल करेगी, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज नहीं करेगा, और एक फेल्ड डेमोक्रेसी दिखाओगे। जैसी एक फेल्ड डेमोक्रेसी दिखाओगे, CGTN में चलेगा, देखो देखो कैसे दिल्ली में दंगे हो गए, चाहिए डेमोक्रेसी? चाइनीज कहेंगे नहीं नहीं देखो कैसे लड़ रहे हैं, नहीं चाहिए डेमोक्रेसी। यहाँ की गरीबी दिखाएंगे, भूखे बच्चे, यहाँ की ऐसा रिपोर्ट दिखाएंगे, देखो क्या हाल है बच्चों की पढ़ाई का, पूछेगा चाइना CGTN चाहिए डेमोक्रेसी? चाइनीज कहेंगे नहीं, डेमोक्रेसी गंदी है, दे वांट टू प्रोड्यूस द अल्टरनेट मॉडल टू द डेमोक्रेसी, चेंज द ग्लोबल ऑर्डर ऑल टुगेदर, दे डोंट वांट टू कैप्चर दिस और इधर सेपरेटेड। क्यों? अगर ये सेपरेट होगा तो सेपरेशन तिब्बत में भी मांगा जाएगा, ये सेपरेशन होगा तो सेपरेशन सेपरेशन म्यांमार के बॉर्डर पे भी मांगा जाएगा चाइना से, ये सेपरेशन होगा तो जिंजियांग में भी सेपरेशन मांगा जाएगा, हांगकांग में भी सेपरेशन मांगा जाएगा, मकाऊ में भी सेपरेशन मांगा जाएगा। तो सेपरेशन चाइना नहीं चाहता नॉर्थ ईस्ट का सेपरेशन हो, लेकिन वो एक चीज चाहता है, वो एक चीज क्या है समझो इस बात को, कि चाइना चाइनीज हैव डन हैवी इन्वेस्टमेंट इन तिब्बतियन रीजन। कहां करा है? तिब्बत के रीजन में दे हैव डन हैवी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट। अब हैवी इन्वेस्टमेंट तो हो गया, और तिब्बतियन पार्ट भी बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है, लेकिन तिब्बत के लिए सबसे इजिएस्ट सी पोर्ट पाकिस्तान का ग्वादर नहीं है, CPEC नहीं है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो है बांग्लादेश का चितगांव। क्या है? और एक बार ये एक्सेस टू सी मिल जाए तो जितने हान चाइनीज हैं ईस्टर्न चाइना में एंड दे कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ चाइना, वो सब कहां आ जाएंगे? डेमोग्राफी विल चेंज, एंड वंस द डेमोग्राफी विल चेंज, नो वन विल डिमांड द इंडिपेंडेंस। एक बार पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो रीजनलाइजेशन है, वो रीजनलाइजेशन खत्म, कोई नहीं मांगेगा इंडिपेंडेंस। अब ये एक्सेस टू सी देना लासा को बहुत जरूरी है, तिब्बत को। अब वो कैसे दी जाएगी? डोकलाम 22 किलोमीटर चितगांव। आप कहेंगे इंडिया तो कभी एक्सेस देगा नहीं। अब देखो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं कैसे देगा। दोनों न्यूक्लियर डेटरेंट स्टेट है, और इंडिया और चाइना दोनों की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी न्यूक्लियर मिसाइल को दे विल नॉट यूज फर्स्ट, दोनों यूज नहीं करेंगे। तो दोनों यूज नहीं करेंगे तो चाहे गलवान हो जाए, चाहे डोकलाम हो जाए, लड़ाई हो जाए, गुत्तम पतरी हो जाए, न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, डोकलाम में भूटान, भूटान की टेरिटरी डोकलाम में चाइनीज आ गए। 8 बजे चाइनीज मिलिट्री ने स्टार्ट करा अपना कैंपेन, कहा आज तो 22 किलोमीटर का सिलीगोरी कॉरिडोर हटाओ। 8 बजे कैंपेन चालू करा चाइनीज मिलिट्री का, कहना हमें 4 घंटे चाहिए, 22 किलोमीटर कैप्चर करने कोई बड़ी बात नहीं है। 4 घंटे में सिलीगुड़ी पहुंचे, पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। बांग्लादेश के चितगांव को डेवलप ही चाइना कर रहा है, बांग्लादेश की शेख हसीना को चाइना से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बेशक वो कितनी प्रो इंडिया हो लेकिन वो प्रो चाइना भी है, तो शेख हसीना वाजे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 12 बजे लड़ाई जो है ये कैप्चर हो गई, यूनाइटेड नेशन आ गया 12 बजे, 12 बजते की सुबह सुबह खबर पहुंच गई, 12 बजे सब एग्री आ गए फ्रंट लाइन में, यूनाइटेड नेशन
एंटोनियो गुटेरेस आ गया, यूएसए आ गया, रशिया आ गया, जर्मनी कहने लगा, यूके कहने लगा, फ्रांस कहने लगा, सब कहने लगे ये क्या हो गया क्या हो गया। और चाइना से कहा वहीं रुक जाओ, चाइना का ठीक ठीक वहीं रुक जाता, अब नेगोशिएशन टेबल हुआ। नेगोशिएशन टेबल पे इंडिया ने कहा कैप्चर कर लिया वापस दो, चाइना ने कहा यार चलो वापस दे देता हूं, मैं तो कैप्चर करने का मन ही नहीं था, लेकिन एक काम करो एक्सेस दो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, आई विल रिटर्न यू बैक बहुत प्यार से, वापस दे देता हूं एक्सेस दो। इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्सेस नहीं देगा क्या? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। समझ में आया? एक्सेस नहीं देगा तो चाइना का दूसरा प्लान है, 22 किलोमीटर ही तो है, जब हम काराकोरम खोद के टनल्स बना देते हैं तो 22 किलोमीटर के नीचे से टनल बना देंगे, लेकिन ये एरिया बाप पे पहले आए तो डोकलाम। द एक्सेस टू सी इज इंपॉर्टेंट रादर देन डिवाइडिंग द नॉर्थ ईस्ट। चाइना डोंट हैव एनी प्लान ऑफ डिवाइडिंग नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि उसके यहां पर रिपरकशन होंगे। चाइना भी के भी पास भी इतना लेवरेज नहीं है कि डेमोक्रेसी की भूख जगाए चाइना, चाइना में चाइना डोंट वांट टू डू इट। हाइपोथेटिकल सिचुएशन को और आगे बढ़ाएं, मान लो वार 12 बजे नहीं रुकी, चाइना ने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। अरे थर्ड वर्ल्ड वार है, लोगों को लगता था 2020 से पहले कोई वॉर नहीं होगी, अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, पैलेस्टीन, दुनिया ने बता दिया ऐसा कुछ नहीं होता कि वॉर नहीं होती है। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर पीस इज टू प्रिपेयर फॉर वॉर। शांति तभी आ सकती है जब युद्ध के लिए लड़ा जाए, है ना, इसलिए मार्शल ट्रेनिंग होती है, पीटने के लिए नहीं होती है, खुद को बचाने के लिए भी होती है, इसलिए डिफेंस आर्ट्स कहते हैं, मार्शल आर्ट कहते हैं, इसलिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डिफेंस कर रहे हैं एवरीवन, सबकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, किसी की मिनिस्ट्री ऑफ अटैकिंग नहीं है, चले सभी डिफेंस कर रहे हैं। तो बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर पीस इज टू प्रिपेयर फॉर वॉर। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन को आगे बढ़ाइए, 12 बजे से आगे चल दीजिए। आप कहेंगे 12 बजे से आगे चलेंगे तो क्या होगा? मैं कहूंगा चाइना है, तुरंत इंडिया की तरफ से जापान आएगा, जैसी जापान आया चाइना की तरफ से नॉर्थ कोरिया आ गया, जैसी नॉर्थ कोरिया लड़ाई में कूदा साउथ कोरिया इंडिया की तरफ से आ गया, जैसी साउथ कोरिया टूटा पाकिस्तान चाइना की तरफ से आ गया, जैसी पाकिस्तान चाइना की तरफ से आया अफगानिस्तान ने कहा लेट्स सेटल द इशू ऑफ दुरंध लाइन वंस फॉर ऑल, इंडिया की तरफ से मैं आ रहा हूं, दुरंध लाइन सॉल्व ही कर देते हैं, 100 किलोमीटर का एरिया अपन का है, 1893 में हमने दिया था, हो गए से 100 साल, बहुत लीज पे ले लिया पाकिस्तान ने, ये सारा खैबर, ये जितना भी पेशावर का एरिया सब अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान विल सेटल द इशू, अफगानिस्तान आएगा ईरान आ जाएगा, ईरान आएगा इजराइल आ जाएगा, इजराइल आएगा सऊदी अरब आ जाएगा, सऊदी अरब आएगा इधर टर्की आ जाएगा, टर्की आएगा उधर फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस आएगा यूके आ जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन 12 बजे अगर बंद रहा हुई लड़ाई,